हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेट हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस एनबीएस हो, यूजीसी नेट हो, किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज एंड MCQ चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस एंड वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डेली बेसिस में जो आपको 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये सभी चीज़ें चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए और सभी चीज़ों को वॉच कीजिए। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है दोस्तों, मानव को उसके पिता की अनुवांशिकता निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्रकोश। किससे? शुक्रकोश। नेक्स्ट है, मानव में अनुवांशिकता निम्नलिखित में से किससे निश्चित होती है। तो किससे निश्चित होती है? शुक्रकोश से निश्चित होती है, जिसमें स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY होता है। नेक्स्ट है, मानव की अनुवांशिकता में निम्न में से कौन से कारक काम करते हैं। तो कौन से कारक काम करते हैं? तो शुक्रकोश एंड बीज कोश, यानी कि स्पर्म एंड ओवम दोनों काम करते हैं। यहाँ पे दोनों अपर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव व्यवहार का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो मानव व्यवहार का जो विकास है, और अनुवांशिकता एंड पर्यावरण, नेचर एंड नर्चर, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पर प्रभावित पड़ता है। तो दोनों अपर राइट हो जाएगा, गो। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के बाहर मेहदी तथा पासी मुख्यतः किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध है। तो यह है अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड। नेक्स्ट है, मार्गरेट मीड ने निम्न में से किन समूहों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया। तो उन्होंने मुंडू मोर, अरापेस, सांबुली, इन सभी समूहों का अध्ययन किया मार्गरेट मीड ने। नेक्स्ट है, पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में निम्न में से क्या कम होता है। वजन भी कम होता है, लंबाई भी कम होता है, शारीरिक शक्ति भी कम होता है। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता मानव पशु की व्याख्या करती है। पर्यावरण मानव प्राणी, ठीक है, यानी कि अनुवांशिकता मानव पशु की व्याख्या करती है, और पर्यावरण जो है मानव प्राणी की व्याख्या करती है। इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है लैंडिस और लैंडिस ने। नेक्स्ट है, लिंग भेद जनरल डिस्क्रिमिनेशन के व्यक्तित्व पर प्रभाव के विषय में विद्वानों का मत निम्न में से क्या है। तो अनुवांशिकता एंड वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, यूरोप के 71 वैज्ञानिकों का अध्ययन जेनियस फेम एंड कंपैरिजन ऑफ रेसेस इनमें से किसका है। तो यह है CH कूले का। नेक्स्ट है, अमेरिकन मेन साइंस नामक शोध पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। तो इसको लिखा है R.B. कैटेल ने। नेक्स्ट है, अमेरिका में रहने वाले जापानियों और यहूदियों के शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव निम्न में से किसने दिखलाया। तो इसका राइट आंसर है फ्रांज बोयस ने। किसने? फ्रांज बोयस ने।
नेक्स्ट है सामाजिक स्थिति का सर्वोत्तम उपकरण क्या है? तो सामाजिक स्थिति का सर्वोत्तम उपकरण क्या है? इसका सर्वोत्तम उपकरण है समाज मिति, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों इनर फीलिंग के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सा है? तो वो है प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जाता है? तो समाज मिति यानी सोशियोमेट्री से किया जाता है। आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन 2-4 पूछ लिए जाते हैं, लेकिन है आपके पूरे सिलेबस से ही, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यही नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान निम्न में से किस कारक पर सबसे अधिक है? तो किस कारक पर सबसे अधिक है? अंतरक्रिया। समाजीकरण एक दूसरे से अंतरक्रिया के कारण ही तो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? अंतरक्रिया, इंटरैक्शन। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा बालकों के समाजीकरण में योगदान में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्न से कौन सा होता है? तो इसका है व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार ही होता है आता है। नेक्स्ट है विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? तो किसका है? शिक्षक का है, शिक्षक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था बालक को मातृभाषा सिखाती है? तो इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, परिवार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर में सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो यहां पे भी आपका परिवार हो जाएगा, क्योंकि परिवार के द्वारा ही जो भी सामाजिक परंपराएं होती हैं एक दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा है? तो वह होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन है? तो पारिवारिक समाजीकरण में सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो परंपराएं हैं, जो परंपराएं हैं वो परिवार से ही हम सीखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्था मानव समाज में केंद्रीय है? तो कौन सा है? परिवार जो है सब में केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बालक के लिए जो माँ के दूध का महत्व है वह किसी अन्य प्रकार के से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है हेवलक एलिस का। नेक्स्ट है रिक्रिएशन में ओ का क्या अर्थ है? तो रिक्रिएशन में ओ का अर्थ है ऑफ टाइम, यानी खाली समय में खेला जाने वाला चीज। नेक्स्ट है रिक्रिएशन में ई का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे रिक्रिएशन में ई का मतलब हो जाएगा एंटरटेनमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। नहीं, ऐसा मनोरंजन क्रियाओं का नहीं बल्कि जज्बातों से संबंधित विषय है, यह एक निजी
वैज्ञानिक पहुंच है, एक झुकाव है तथा जिंदगी का एक तौर तरीका है, कथन किसका है? तो यह कथन है रोमनी का। किसका है? रोमनी का। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति का बहिर्मुखता परीक्षण आउटवर्डनेस टेस्ट आए प्राप्तांक के आधार पर पीआर 70 है तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब हुआ कि इस व्यक्ति से नीचे 70% लोगों का प्राप्तांक है, यानी कि इस व्यक्ति से नीचे 70% लोगों का प्राप्तांक है। नेक्स्ट है, गुणांक अल्फा क्या है? तो गुणांक अल्फा जो है यह परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि है। नेक्स्ट है, जब कोई परीक्षण ऐसा है जिसके एकांशों का प्राप्तांक लेखन शून्य है तथा एक न करके अन्य अंकों की मदद से की जाती है तो इसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने की उत्तर विधि क्या होगी? तो होगी, इसको कहेंगे गुणांक अल्फा। क्या कहेंगे? गुणांक अल्फा विधि होगी। नेक्स्ट है, गति परीक्षण में आंतरिक संगतता विश्वसनीयता गुणांक से विश्वसनीयता क्या होती है? का अति आकलन होता है। नेक्स्ट है, जब किसी परीक्षण की वैधता करने के लिए एक ऐसे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है जिसका प्रयोग पहले नहीं किया गया है, परंतु प्रतिदर्श उसी जीव संख्या से लिया गया है जिससे पहले के प्रतिदर्श लिए गए हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्रॉस वैधता। क्या कहते हैं? क्रॉस वैधता। प्रश्न को समझने के लिए पुनः आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता से तात्पर्य है। प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है? कि प्राप्तांक लेखन करने वाले व्यक्तियों के निर्णयों में संगतता से है। नेक्स्ट है, विचलित बुद्धि लब्धि क्या है? तो विचलित बुद्धि लब्धि एक तरह का प्रमाणिक प्राप्तांक मानक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सततमक मानक का सबसे प्रमुख दोष माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ख, सततमक मानक पर आधारित मापने की इकाई असमान होती है, ये सबसे प्रमुख दोष माना जा सकता है। नेक्स्ट है, जब कभी कभी न्याय दर्शन की इकाइयां चर की प्राकृतिक इकाइयां न होकर स्वाभाविक समूह या गुच्छे होती हैं तो वह न्याय दर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुच्छ न्यायदर्श। क्या? गुच्छ न्यायदर्श, यानी सैंपलिंग। न्यायदर्श क्या होता है? एक सैंपल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए एक राज्य की जनसंख्या को, उसकी लंबाई चौड़ाई को आपको मेजर करना है कि हाँ इतने एज के इतने लंबे हैं व्यक्ति हैं, तो पूरे राज्य की जनसंख्या को हम तो गिनने नहीं जाएंगे, उसका सैंपल ले लेंगे, यानी कि 1000 व्यक्तियों को हम निकाल लेंगे, उसका औसत निकाल लेंगे, उसी के हिसाब से पूरे जनसंख्या का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो होता है सैंपल, जो 1000 हम लोग लिए बच्चों को, वो है सैंपल, न्यायदर्श, ठीक है। नेक्स्ट है, शोध उपकरणों में सर्वयोग या एककृत वाली लिकर्ट विधि का इससे संबंध है। तो यह अभिमतावली या अभिवृत्ति मापनी से संबंध है। नेक्स्ट है, जब किसी एकांश पर उच्चतर समूह से अधिक परीक्षार्थी सफल होते हैं और निम्नतम समूह से उसकी तुलना में कम लोग सफल होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समझ के उत्तर दे सकते हैं। जबकि किसी एकांश में उच्चतर समूह से अधिक परीक्षार्थी सफल होते हैं और निम्नतम समूह में उसकी तुलना में कम, तो यहाँ पे धनात्मक विभेदन है। क्या है? धनात्मक विभेदन है। नेक्स्ट है, कभी कभी यह देखा जाता है कि एकांश पर निम्नतर समूह से सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या उच्चतर समूह से सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या से अधिक है। तो यहाँ पे जब निम्नतम समूह के अधिक हैं
तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋणात्मक विभेदन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एकॉस यानी स्टेटमेंट की कठिनता स्तर तथा विभेदन सूचकांक द्वारा निम्न में से कौन सी सूचना नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या कोई एकांश अपना कार्य ठीक कर रहा है या नहीं, इसका सूचना नहीं मिलती है। और सूचना किसका मिलती है, तो एकांश यानी स्टेटमेंट कठिन है या आसान इसका मिलता है। स्टेटमेंट उत्तम परीक्षार्थी तथा निम्न परीक्षार्थी के बीच अंतर कर रहा है या नहीं ये मिलता है। एकांश स्टेटमेंट के आदेश आशय ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं इसका भी पता चलता है। नेक्स्ट है अगर किसी एकांश यानी स्टेटमेंट को 200 परीक्षार्थियों पर क्रियान्वयन किया गया जिसमें से 50 परीक्षार्थी ने उस एकांश का सही उत्तर दिया अर्थात 150 ने उस पर गलत उत्तर दिया, ऐसी परिस्थिति में उस एकांश का कठिनता स्तर क्या होगा, तो 0.25 होगा। नेक्स्ट है अगर किसी एकांश यानी कि स्टेटमेंट का विभेदक सूचकांक डिफरेंशियल इंडेक्स का आदर्श स्तर +1 होता है जिसकी प्राप्ति समानता तब होती है जब एकांश का कठिनता स्तर 0.50 होता है तब। नेक्स्ट है किसी भी परीक्षण का विभेदक सूचकांक डिफरेंशियल इंडेक्स ऐसे तो जितना ही ऊंचा होता है उत्तम होता है, परंतु समानता उसे पर्याप्त स्तर का तब समझा जाता है जब यह होता है 0.30, तब उसको पर्याप्त समझा जाता है। नेक्स्ट है अगर एक ही परीक्षण में एकांश यानी स्टेटमेंट ऐसे हैं जो अलग अलग क्षमताओं को मापते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उन एकांशों का विभेदक सूचकांक थोड़ा विकृत हो जाता है और निम्न हो जाता है। इस समस्या का सबसे उत्तम समाधान क्या होगा, इसका उत्तम समाधान होगा परीक्षण के सभी एकांशों यानी स्टेटमेंट का एक समजातीय इकाई में बांटकर प्रत्येक का उपयोग प्राप्तांक के संदर्भ में अलग से विभेदन सूचकांक ज्ञात किया जाए। नेक्स्ट है बहुविकल्पी एकांश यानी कि स्टेटमेंट में एक उत्तम आशय उसे क्या उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जो उत्तर के समान होते हैं परंतु वास्तव में सही उत्तर नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है बहुविकल्पी एकांश। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की। और बहुत भारी व्यायाम कर रहा है या इंड्योरेंस वाले हैं तो 4000 से 5000 कैलोरी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अफीम यानी पॉपी किससे प्राप्त होता है, तो पोस्त से प्राप्त होता है। ठीक है, पॉपी नामक पौधे से उसके बीजों से प्राप्त होता है जिससे नार्कोटिक्स नामक ड्रग्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट पड़ने पर क्या करना चाहिए, यानी एकाएक दिल की धड़कन रुकने वाला होता है स्लो हो जाता है उस समय क्या देते हैं, सीपीआर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीपीआर। सीपीआर देने से क्या होता है कि उसमें पुनः फ्लो आ जाता है और वह कुछ जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते हैं तब तक के लिए उसको बचाए रख सकते हैं मरीज को। ठीक है, ठीक है, चेस्ट पे थपथपाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सारी शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो सारी क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है, तो यह कथन है दोस्तों ओवर ट्यूफर का, जहाँ पे सारी शिक्षा के अनुभवों का सामूहिक प्रभाव और प्रक्रिया शब्द आ जाए वहाँ पे आप ओवर टीफर लगा देंगे। नेक्स्ट है सारे शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानों में आते हैं वही सारे शिक्षा कहलाते हैं, तो भीतरी अनुभव या केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन शब्द आए तो वहाँ पे आप जान लीजिएगा कि वो परिभाषा है रोजालैंड कैसिडी का।
तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, बट आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, और इसी तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम अब आने वाला है और एमपी सुपर टेट का भी जल्दी ही एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप वेट मत कीजिए। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।